शिवसेना जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल त्रेहा ने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले व्यक्ति पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग उठाई है। बुधवार को शिवसेना जिला प्रमुख द्वारा मंडल आयुक्त को इस संबंध में एक ज्ञापन पेश किया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि एक व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर तिरंगे का अपमान किया जा रहा है। साथ ही एक वरिष्ठ अधिकारी को इसी व्यक्ति द्वारा सत्तारूढ़ पार्टी का समर्थक भी कहा जा रहा है। मंडल आयुक्त को पेश किए गए ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए शिवसेना जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल त्रेहा ने बताया कि कल 27 सितंबर से रात्रि लगभग 8:30 बजे के आसपास से एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान दिखाया जा रहा है। ठीक है, किसी होमगार्ड से कोई गलती, खुशी में कोई गलती हो जाती है, लेकिन उसका बार बार सोशल मीडिया पर प्रचारित करना यह भी एक दंडनीय अपराध है और देशद्रोह की श्रेणी में आता है। या तो कि प्रेम सागर लोधी पुण्यवासी अपने अनधिकृत ट्विटर अकाउंट भारत लाइव प्रेस द्वारा बार बार सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान की बार बार न्यूज दिखा रहे हैं, बार बार डाली जा रही है, ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। और यहाँ मुरादाबाद के मंडला आयुक्त को भी वो ब्लेम लगा रहे हैं, बता रहे हैं कि सत्ताधारी हैं, सत्ता के हैं वो, तो कमिश्नर या कोई भी अधिकारी सत्ता से उसे क्या मतलब, वो तो सरकारी होता है, सत्ता से उसे क्या मतलब, प्रशासन का होता, तो ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है और इन पर शीघ्र से शीघ्र राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम कर कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।